हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऐसे हेयर ऑयल की बात करने वाली हूँ जिससे आपके हेयर फॉल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके हेयर ग्रोथ को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं और स्कैल्प के प्रॉब्लम्स को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको तेल बता देती हूँ, मैं जिस तेल की बात कर रही हूँ वो है वातजतादि तेल। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान का प्रोडक्ट है। ये 200 ml की ऐसे बॉटल में आता है और इसकी प्राइस है ₹240। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तेल के बारे में बता देती हूँ कि मैं पर्सनली इसे पिछले 3 से 4 महीने यूज़ कर रही हूँ। ये वीडियो किसके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके कोई भी हेयर प्रोडक्ट से या इन जनरल कोई भी प्रोडक्ट से इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के कारण आपको पता ही है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स काम करने में टाइम ज़रूर लेते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये तेल स्पेसिफिकली, हम इसके इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेते हैं क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने अमेजिंग हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही ये तेल इतना इफ़ेक्टिव है। तो इसका जो बेस है वो है तिल का तेल, यानी सेसमी ऑयल। और तिल का तेल डेफिनेटली हेयर केयर में, हमारी बॉडी को मसाज करने में हम काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं एंड काफ़ी घरों घरों में पाया जाता है ये। तो ये बेस है तेल का, लेकिन की इंग्रेडिएंट जो इस तेल में है वो है वात जता। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंग्रेडिएंट क्या है? तो बैनियन का ट्री जो होता है, बरगद का पेड़, तो उसके जो एरियल रूट्स हैं, जो ऊपर पेड़ से लटकते हुए उसके जो रूट्स होते हैं, उससे बनाया गया है। अब ये एरियल रूट्स जो है ना बरगद के पेड़ के, ये काफ़ी हमारे हेयर को स्ट्रेंथनिंग होते हैं। तो जब आप ये तेल लगाते हैं, आपकी हेयर रूट्स को ये स्ट्रेंथन करने में और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कब हो जाता है। लेकिन वातजता के साथ भी और कई और इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर यानी जपपुषा, लाल कलर का जो फूल होता है वो है इसमें। तो ये तेल इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बाल ग्रे जल्दी हो रहे हैं, सफ़ेद बाल जल्दी आ रहे हैं आपको, आजकल तो 20s और 30s में ही आते हैं, आई नो आई हैव स्पॉटेड अ फ्यू, तो उसको रिवर्स करने के लिए, तो ग्रे बाल जल्दी से आपको ना आए और एग्जिस्टिंग बाल हैं वो भी काले घने बने रहे, उसके लिए जपपुष्पा, ये जो फूल है हिबिस्कस का फ्लावर है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो एक मेजर इंग्रेडिएंट है। इसमें बिभीतक है, और बिभीतक क्या है? बिभीतक एक एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट होने के कारण ये आपके हेयर रूट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्शन होने से रोकता है। आपको काफ़ी टाइम स्कैल्प इन्फेक्शंस भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसमें ये हेयर ऑयल बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि बिभीतक आपके स्कैल्प इन्फेक्शन से काफ़ी आपको लड़ने में हेल्प करेगा और उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प कर देगा। एक और इसका जो मेजर इन्ग्रीडियंट है वो है जिंजर, यानी कि सूंठ। सूंठ की जो पाउडर होती है, जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, तो ये अगर आप आपके हेयर ऑयल में इसको मिक्स करके लगाते हैं तो ये आपके स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और हेयर लॉस का एक मेजर कारण है कि आपके स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा, इसीलिए एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड होते हैं ताकि स्कैल्प का सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो बना रहे, तो जिंजर के कारण वो सर्कुलेशन भी बना रहता है। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसका जो है वो है कपूर, यानी कि कैम्फर। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये तेल कभी भी आप सुबह में ना लगाएं। इसे लगा के ऑफिस तो आप जाने की सोचे भी नहीं, क्योंकि ये इतना कूलिंग है, रॉयल है, और आपका ब्रेन को फटीग जो होता है, एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं,
ये तेल एक बार आप लगाएंगे आपको इतनी ठंडक महसूस होगी, और ठंडक तो महसूस होगी ही, उसके बाद जो आपको नींद आनी है ना, अनपैरेलल्ड इससे नींद आती है। तो बालों की चंपी जब भी करनी हो, प्रॉपर डीप नरिशिंग आपको जब करना हो बालों का, और नेक्स्ट डे आपको बस आराम से सोना हो, जल्दी नहीं उठना हो, उस दिन स्पेशली मैं आपको ये हेयर ऑयल रिकमेंड करूँगी, बिकॉज रियली इट वर्क्स। आपका स्ट्रेस चला जाएगा और गहरी नींद एक प्रॉपर अच्छी आती है। तो उसके लिए भी कपूर ये मेन कल्प्रिट है, या की इंग्रेडिएंट है मैं आपको कहूँ तो, उससे आपका ब्रेन फटीक जो है वो भी काफ़ी हद तक चला जाता है। तो ओवरऑल ये लगाने के बाद इट्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, मैं इसको कहती हूँ मेरा स्पा ट्रीटमेंट है रॉयल एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, क्योंकि आपके हेयर रूट्स को हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प करता है बढ़ाने के लिए, और आपके अगर स्कैल्प के इन्फेक्शन्स हो उसको रिड्यूस करता है, और ओवरऑल आपको जस्ट दिस इज़ एन ऑल राउंड हेयर ऑयल फॉर ऑल स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टेंटली वर्क नहीं करता। मैंने इसे डेढ़ महीना पहले जब ट्राई किया था, डेढ़ महीना ट्राई करने के बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा था, लेकिन आई न्यू कि यू नो विद आयुर्वेदिक चीज़ों को लेके थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई केप्ट यूजिंग इट, 3-3.5 महीने के बाद आई नोटिस्ड डिफरेंस, क्योंकि यू नो आपके जब हेयर लॉस होते हैं तो टॉवल में आ जाते हैं, कोम करते टाइम आ जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट मुझे कम होता नज़र आया। एंड इवेंचुअली एज टाइम वेंट बाय, 4 महीना जैसे होने को आया है, तो आई डेफिनेटली सी कि यू नो मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया है। एंड अगर मैं ऐसे स्कैल्प ये करके अगर चेक करूँ तो छोटे छोटे ऐसे नए बाल आ रहे हैं। ये एक ट्रिक है, अगर आपको देखना है कि नई हेयर ग्रोथ हो रही है क्या, आप ऐसे पार्टीशन कर लें कहीं भी आपके हेयर के इसमें, और छोटे बाल आते हैं क्या वो आप ये देखें, ये सारे नई ग्रोथ है मेरी, ये देखें इतना छोटा है ये। सो ये सारी नई हेयर ग्रोथ है वो इसकी हेल्प से आई है। सो आई वॉज लाइक रियली वरिड। मैंने कराया था सिस्टीन ट्रीटमेंट कराया था मैंने, उसके बाद मेरे काफ़ी हेयर लॉस हुए थे, आई एम नेवर डूइंग इट अगेन, और देन टू रिकवर फ्रॉम इट मैंने ये यूज़ किया है पिछले 3-4 महीनों से, एंड इट हैज़ रियली रियली वर्कड फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए काम किया है। 90% इट इज़ ऑलवेज इफ़ेक्टिव, 5% ये जो मैं बोल रही हूँ वो एनवायरमेंटली फ़र्क भी होता है हर चीज़ों में, मैं जो खाना खाती हूँ, हवा जो है मेरे यहाँ की, एंड ओवरऑल अपने बालों का ख्याल रखना भी उतना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से दैट 5% डिफरेंस कैन कम अबाउट लोगों में। ये हेयर ऑयल मेरे लिए डेफिनेटली 100% काम करता है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ये आपके लिए काम करता है तो अलॉन्ग विद दिस हेयर ऑयल आपको आपकी डाइट का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा, तभी यू विल डेफिनेटली गेट दैट कम्प्लीट इफेक्ट। बट ओवरऑल फॉर मी आई लव दिस हेयर ऑयल। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेयर ऑयल दैट विल हेल्प यू ग्रो न्यू हेयर, नई बाल अगर आपको स्पेशली चाहते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, दिस इज़ स्पेशली वेरी हेल्पफुल। तो आई कैन सी मेरे बाल आजकल ऐसे फूकते फूकते नज़र आते हैं वीडियोज़ में, सो आई थिंक दिस इज़ द हेयर ऑयल टू से थैंक यू और टू ब्लेम फॉर इट। सो ओवरऑल आई रियली रियली लाइक दिस, एंड मैं रेकमेंड इसको ज़रूर करूँगी, आप इसको ट्राई करें, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स आप इसको दें, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं इस हेयर ऑयल को लेके, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, लेकिन अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।